नमस्कार, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज 24 हिमाचल पर। बर्फ में वाहन फंसा है और उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। ये वाकया नारकंडा से हाटू माता रोड का है, जहां पर सोमवार को भारी बर्फबारी में दिल्ली से आए पर्यटकों का एक वाहन फंस जाता है। शाम के समय बर्फबारी भी जोर तेज लगी थी, जिस कारण से जो सैलानी है अपने वाहन को वहीं छोड़कर नारकंडा वापस लौट जाते हैं और इसकी सूचना प्रशासन, पुलिस और स्थानीय युवाओं को देते हैं, जिसके बाद हिमालयन स्पोर्ट्स क्लब नारकंडा की टीम अध्यक्ष गौरव नेगी की अगुवाई में रेस्क्यू टीम दूसरे दिन जब धूप खिलती है मंगलवार को ऊपर जाती है और पर्यटकों के फंसे वाहन को सुरक्षित नारकंडा पहुंचाने में कामयाब होती है। उसके बाद पर्यटकों के चेहरे पर जो खुशी है देखने लायक होती है और जो दिल्ली से आए पर्यटक है, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और इन युवाओं का, हिमालयन स्पोर्ट्स क्लब नारकंडा की इन वॉलंटियर का आभार प्रकट करते हैं। लगातार अगर हम बताते चले आपको, स्नो सिटी नारकंडा में बर्फबारी के दौरान जो बाहरी राज्यों से पर्यटक आते हैं, जो जमुंडा तक गाड़ियां ले जाते हैं, लेकिन अगर बर्फबारी इस दौरान होती है उनके वाहन फंस जाते हैं, जिस कारण मुश्किलें भी जरूर पेश आती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम दिल्ली से आए थे तो ऊपर हाटू पे गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हुई, तो उस भारी स्नोफॉल में मतलब हमारी गाड़ी तो पहुँच गई, लेकिन वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत मतलब दो दो फुट बर्फ़ पड़ी वहाँ पे, तो पूरे रास्ते वहाँ पे मतलब बहुत खतरनाक सड़क थी, तो गाड़ी बहुत स्लिप कर रही थी, तो गाड़ी को हम वहीं छोड़ के आ गए। अब उसके बाद हमें थोड़ा मौसम आज खुला है, लेकिन गाड़ी वहाँ से निकालना बहुत बड़ा, बहुत रिस्की था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि गाड़ी वहाँ पर कोई ज्यादा जा नहीं रही थी और जो गाड़ी हमारी स्लिप कर रही थी, तो फिर हमने गौरव भाई जी से हम मिले और अप्रोच किया यहाँ के लोकल प्रशासन से और यहाँ की पुलिस का हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिमेंड कर रहे हैं, प्रशासन यहाँ का बहुत अच्छा है। ये गौरव भाई जी ने हमारी बहुत हेल्प करी, ये हमारे साथ गए और इनका एक्सपीरियंस है कि हमारे को बड़ा सेफली वहाँ से गाड़ी निकाल के जाए, आप देख सकते हैं गाड़ी भी अच्छी खासी कंडीशन में है, तो हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, ताकि यहाँ का टूरिज्म भी और अच्छा बढ़े और यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। थैंक यू।